पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, और चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे दुनिया में किसी और पार्टी का व्यक्ति हो, वो हमें कैसे भटका सकता है? हमें कमी होगी ना, तभी तो हम भटकेंगे। इसलिए राम मंदिर से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन इस राम मंदिर को और भगवान श्री राम की संस्कृति को हमेशा बनाए रखने के लिए मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी कृपात्री फाउंडेशन की तरफ से एक बार फिर संकेत करता हूं कि अगर जब तक ये भारत अखंड भारत नहीं बनेगा, तब तक हम अपने मठ मंदिरों को सुरक्षित रखने में भी असमर्थ माने जाएंगे। इसीलिए हम एक हों, हमारा नारा एक हो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अखंड भारत की संकल्पना के साथ हम हिंदू जब तक एक नहीं होंगे, जब तक ये अखंड भारत का सपना साकार नहीं होगा, श्रृंखला में हम परम पूज्य ऋषभ जी देव जी से भी बात करेंगे। से पूर्व कितनी कथाएं कर चुके हैं और बाल्यावस्था से ही आपने शुरू कर दिया था ये। सर्वप्रथम तो अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ भ स्वामी कृपात्री फाउंडेशन की ओर से आपका भूरी भूरी आभार। और रही बात कथाओं की, तो गणना नहीं है परंतु 30-35 से ऊपर ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं हो चुकी हैं भी। उन्हीं के माध्यम से हम धर्म का प्रचार अभी करने में लगे हुए हैं। आपका मुख्य विषय क्या रहता है जब आप संत समागम में जाते हैं, भागवत कथा करते हैं? मुख्य विषय बस हमारा धर्म का प्रचार है, अपनी संस्कृतियों को, अपने संस्कारों को लोगों को बताना है कि हमारे क्या संस्कार हैं, हमारी कौन सी संस्कृति है, हम किस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इस भारत की संस्कृति और संस्कारों से भटक गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए हैं, बस उन्हीं को धर्म के मार्ग पर लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और यही हमारे पुराणों का भी उद्देश्य है। कितने वर्ष से आपने ये शुरू की धर्म यात्रा? ये मैं लगभग 6.5-7 वर्ष का था तभी से धर्म के प्रचार में मेरी रुचि रही। आपकी कितनी आयु है? इस समय मेरी आयु 15 वर्ष की है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो मैं संदेश बस यही दूंगा कि आजकल के युवा, सबसे बड़ी शिकायत आती है कि आजकल के युवा नशों में बड़े फंस गए हैं। छोटे छोटे से बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। यदि युवाओं को अपने भविष्य को, अपने जीवन को, अपने परिवार के भविष्य को, सबको सुरक्षित रखना है तो वो सबसे पहली बात तो नशों से दूर रहें, मन लगा करके अध्ययन करें, पढ़ाई करें, जिससे कि वो अपने इस देश को भी सुरक्षित बनाएं, इस देश में भी जो और भी पद हैं उन पद पर श्रेष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हों वो श्रेष्ठ बने रहें, तो वो आज के युवा ही तो भविष्य के पदाधिकारी होंगे, पद पर विराजमान होंगे। तो सर्वप्रथम तो बस युवाओं से आदेश, ये निवेदन है मेरा कि अपने माता पिता की बातों को वो माने, अपने से बड़े जनों की बातों को माने, क्योंकि माता पिता हैं जो बुजुर्ग हैं ये हमारी हानि की कोई बात नहीं बताएंगे, ये हमारे लाभ की ही बात बताएंगे। लेकिन जब बचपना रहता है तो कोई पढ़ने की भी कह दे तो बड़ा बुरा लगता है वो व्यक्ति के, पढ़ने की हमसे क्यों कह रहा है। लेकिन ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये युवा का जीवन है, ये पढ़ने का है, तो इस विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई एक मुख्य उद्देश्य हमारा रहना चाहिए। पढ़ाई से भागे नहीं और नशे से दूर रहें, यह